सब्सक्राइब कीजिए श्रीतमस किचन को और बेल बटन में जरूर क्लिक कीजिए नए नए रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, वेलकम टू श्रीतमस किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं एक अलग तरह की रेसिपी। इसका नाम है मालाबार पथरी। ये एक साउथ इंडियन रेसिपी है और इसे आप नाश्ते में खा सकते हैं, स्नैक्स जैसे भी खा सकते हैं। ये होते हैं बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी, तो इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, रेसिपी के नीचे लाइक के बटन में क्लिक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मालाबार पथरी। मालाबार पथरी बनाने के लिए सबसे पहले गर्म कढ़ाई में हम देंगे एक छोटा चम्मच घी और एक छोटा चम्मच तेल। तेल और घी को गर्म होने दीजिए। तेल और घी को गर्म करके हम इसमें देंगे एक तिहाई छोटा चम्मच कलौंजी और एक तिहाई छोटा चम्मच अजवाइन। इसको 10-12 सेकेंड्स ऐसे मिला ले। 10-12 सेकेंड्स के बाद हम इसमें दे देते हैं 10-12 लहसुन की कलियां को हमने घिस लिया है, इसको हम दे देते हैं। इसके बाद हम इसमें देंगे 3-4 हरी मिर्च, इसको हमने मिक्सी में ऐसे दरदरा पीस लिया है, आप देख सकते हैं, इसको हमने डाल दिया। लहसुन और हरी मिर्च को हम 1 मिनट भुनेंगे। 1 मिनट के बाद जब इससे खुशबू आने लगे तब इसमें हम देंगे एक छोटे नारियल, इसको हमने ऐसे दरदरा घिस लिया है, आप देख सकते हैं। अभी इसमें हम देंगे थोड़े से नमक और नमक स्वाद के अनुसार। नमक को देते ही हमें इसमें 1 ग्लास जैसे पानी को इसमें डाल देना है। अभी हम इसमें एक उबाल आने तक इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। अभी इसमें हम देंगे चावल का डस्ट और चावल का आटा, इसको हम थोड़े थोड़े करके देंगे और इसके साथ साथ ही हम मिलाते जाएंगे। गैस के फ्लेम एकदम मीडियम रखें। ये चावल का आटा आप मार्केट से आसानी से खरीद सकते हैं। ये है करीबन 400 ग्राम आटा। इसको ऐसे मिला लीजिए। हमारा ये मिश्रण तैयार हो गया है। अभी इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमने इस मिश्रण को प्लेट में डाल दिया है। अभी इसको हम 5-6 मिनट ठंड करेंगे। इसको हमने ठंड कर लिया है। अभी इसमें हम देंगे एक छोटा चम्मच जैसे भुना हुआ जीरा मसाला। इसको अच्छे से मिलाना है और नॉर्मल पूरी के जैसे एक थोड़े स्टीप वाला डो हमें तैयार करना है। जब देखें मिश्रण से भाप निकालना बंद हो गया है तब इसको अच्छे से गूंदा है। मिश्रण को गूंदने के वक्त आप हाथों में थोड़े से तेल लगाकर इसको अच्छे से गूंद लीजिए। कढ़ाई में हमने पथरी को फ्राई करने के लिए तेल को गर्म करने तक छोड़ा है। मिश्रण को हमने 2 हिस्से में गूंद लिया है। अभी एक हिस्सा लेकर इसको ऐसे राउंड शेप दे देती हूँ। अभी इसको ऐसे फ्लैट कर दीजिए और ऐसे प्रेस कर दीजिए। इसको बेलना है, इसको थोड़े मोटे बेलना है। अगर किनारे में फट जाए तो चिंता की कोई कारण नहीं है, ये स्वाभाविक है। इसको ऐसे
बेल लीजिए। बेलते वक्त हमें ध्यान में रखना होगा कि हल्की हाथों से इसको बेलना है और इसको थोड़े मोटे बेलना है। यह हमने इसको बेल लिया है। अभी एक कंटेनर के ढक्कन से इसको ऐसे प्रेस करके इसको ऐसे काटना है, इसको ऐसे गोल शेप दीजिए और बाकी पार्ट को हम वापस मिश्रण में मिला देंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा ये बन गया है। ये देखिए इसका थिकनेस ऐसे होना चाहिए, आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। ऐसी तरह से साड़ी पात्री को हम गोल आकार दे देंगे। ये हमने साड़ी पात्री को तैयार कर लिया है। तेल हमारा गर्म हो गया है, अभी इसमें हम पात्री को फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम में पात्री को फ्राई करना है। एक साथ बहुत सारे पात्री को हमने एक साथ फ्राई करेंगे। पात्री को हमें मीडियम फ्लेम देकर फ्राई करना है। दोनों साइड से गोल्डन करके इसको फ्राई करना है। आप देख सकते हैं इसके सुनहरा कलर, बहुत ही अच्छी खुशबू दे रहे हैं, अजवाइन का, कोकोनट का। हमारा पात्री फ्राई हो गया है। अभी इसको हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। कलछी को कढ़ाई के ऊपर कुछ सेकंड्स रखना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई में निकल जाए। आप देख सकते हैं पात्री हमारा फ्राई होकर रेडी है। साउंड को सुन सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी हुआ है ये। अभी इसको हम एक प्लेट के ऊपर, टिश्यू पेपर के ऊपर हम रखते हैं। ये देखिए वाओ, बहुत ही अच्छी खुशबू दे रहे हैं। यह हमने दूसरी बैच को भी ऐसी तरह से फ्राई कर लिया है। दोनों पीठ अच्छे से गोल्डन करके इसको फ्राई कर लिया है। ये भी ऐसी तरह से हम प्लेट के ऊपर ये रखेंगे। कितना क्रिस्पी हुआ है आप साउंड को सुन सकते हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी हुआ है। ये देखिए कितना बढ़िया साउंड आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, साउंड को सुन सकते हैं। ये खाने में भी उतना ही टेस्टी बने हैं कि नहीं हम देखते हैं। वाओ, ये खाने में भी बहुत ही बढ़िया बन गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तैयार हो गया है आज का यम्मी स्नैक्स रेसिपी। मालाबार पात्री आपके सामने एकदम रेडी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बने हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसके बदले में आप थोड़े से अदरक और हींग मिलाकर इसको बना सकते हैं, तब भी बहुत ही ये टेस्टी बनेगा। इसको आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो ऐसे नए नए इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए श्रीतमास किचन को विजिट कीजिए। इस रेसिपी अगर पसंद आए, रेसिपी के नीचे लाइक के बटन में क्लिक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।